यस सरकार माहौल। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 11। सर आइए बच्चों साथ में पढ़ते हम। पेठालाल हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन। अरे जेठालाल नहीं होए, पेठालाल सर। ओके जेठालाल और पेठालाल सुनते ही वो मेरे को आगरा के पेठे याद आते, बेटा भूख लग जाती है। माहौल एकदम जबरदस्त। पेठालाल हैज ऑब्टेन्ड रजिस्ट्रेशन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन उत्तर प्रदेश। ओके माहौल, ये मेरे को लग रहा है वही पेठा की बात कर रहा है बेटा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो सर। हिज टर्नओवर इन द प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज रुपीज 19,90,000। प्रीवियस फाइनेंशियल में इसका एग्रीगेट टर्नओवर था कितना बेटा, 19,90,000, 20 लाख से कम। ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर इन द करंट ईयर व्हेन ही वॉज रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ओके सीरियल नंबर, ओके ये एक्टिविटी देखिए अपन एक बार देखते हैं कि इसको आखिर जिंदगी में चाहिए क्या अपने से। फर्दर ही इज रिसीव्ड द फॉलोइंग सर्विसेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर। फॉलोइंग सर्विस रिसीव करी, इनवर्ट सप्लाई बेटा। ओके ओके उसके भी नीचे देखो क्या लिखा है। ऑल द ट्रांजेक्शन स्टेटेड अबव आर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेर एवर एप्लीकेबल। ओके फिगर्स आर विदाउट जीएसटी और सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा है, मतलब सी और एस की लाइबिलिटी आएगी अगर आएगी तो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल बाय पेठालाल फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेंबर। देर वॉज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके द रेट ऑफ सी जीएसटी एस जीएसटी इज 9% ईच फॉर ऑल द आउटवर्ड सप्लाई इज मेड बाय मिस्टर पेठालाल। ओके सर तो एक काम करते हैं हम यहां पे टेबल ड्राफ्ट कर लेते हैं सो देट आपको सॉल्यूशन निकालने में इजी रहेगा। नेट जीएसटी पेबल निकालना सर आपको, निकाल लेंगे सर कोई गल नहीं सर। ओके ओके सरकार फर्स्ट हम देख रहे हैं अभी इसकी लायबिलिटी। लायबिलिटी कितनी होगी साहब, फर्स्ट केस फ्यूनरल सर्विसेज। और आपको बताया क्या, फ्यूनरल सर्विसेज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, शेड्यूल 3 में कवर है सर, और इस पर कोई जीएसटी लेवी नहीं होगा। केस नंबर 2 फ्यूनरल याद आया ना बेटा, अंतिम सेवा, हाँ शेड्यूल 3 में कवर है, भेजने की सर्विस पे कोई जीएसटी नहीं है सर, ध्यान रखना आप। क्लियर सर, आइए अगला पॉइंट, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। अब जर कुछ लेके जाएंगे आदमी तो जीएसटी क्यों लगाया बेटा उस पर, इसलिए माफ कर दिया। ओके और भी कुछ लॉजिक से पर अभी छोड़ो आप, अब पॉइंट समझ में अगले पॉइंट पे आओ। सर्विसेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी। बेटा सर आपको बताओ तो अमेंडमेंट था लास्ट टाइम और सर्कुलर ने ये सॉरी एक नोटिफिकेशन देखे मेगा एग्जिबिशन लिस्ट में लिख दिया था कि सर वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ध्यान देना बेटा सर, कॉटन सर ध्यान देना, कॉटन स्पाइसेस इन सब को माफ कर दिया है सर इसके वेयर हाउसिंग को सर। तो सर अगेन सेकेंड पॉइंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, पहले केवल वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट था और राइस को अलग से एग्जेम्प्ट किया हुआ था बेटा वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। क्लियर, उसके बाद सर कैशन नट्स वगैरह इन सबको लेके आ गए ये लोग और उन सबका वेयर हाउसिंग को भी एग्जेम्प्ट कर दिया सर, जैगरी वगैरह सबको बेटा। देन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेज गिवन ऑन हायर टू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। अगेन बच्चों मेगा एग्जामिनेशन में ये पॉइंट ऐड किया था सर अमेंडमेंट करके। और सर अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड बसेज अगर आपने दिए किसको दिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, तो अगेन इट इज ऑल्सो एग्जम फ्रॉम जीएसटी कवर्ड इन मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट। ध्यान देना आपको वर्किंग नोट लिखना है बेटा, आप चाहे तो यही पे लिख दे वर्किंग नोट, या आप चाहे तो नीचे नोट बना के अलग से लिखे नीचे। ओके पर वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। देन पॉइंट नंबर 4, सर्विस प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ कमेंटेटर। ओहो प्राध्यापक बताया था मैंने आपको कि सर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को किसी इंडिविजुअल ने सर्विसेज दिए एज अ प्लेयर रेफरी अंपायर कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, या रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ने सर्विस दी तो एग्जाम होता है, अदरवाइज एग्जाम नहीं होता है। कमेंटेटर ने अगर सर्विस दी तो वो टैक्सेबल होगी साहब। तो सर पेठालाल ने क्या करी है, कमेंट्री करी है बेटा, सर टैक्स लगेगा बच्चों। तो 2 लाख टैक्सेबल है 9% ईच, तो सर कितना हो गया 18,000। माहौल सी जी एस टी एंड एस जी एस टी ऑल ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट।
कमीशन रिसीव्ड एज एन इंश्योरेंस एजेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी के आप इंश्योरेंस एजेंट हो तो टैक्सेबल तो है, पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी, तो पेठालाल को तो कोई टैक्स पे नहीं करना है, अपने को निकालना है क्या? पेठालाल को कितना टैक्स पे करना है साहब? क्लियर? तो सर पेठालाल की कोई लायबिलिटी नहीं है साहब इस केस में, हटाओ साहब। पॉइंट नंबर 7, कमीशन रिसीव्ड एज अ बिजनेस फैसिलिटेटर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अर्बन ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंक को सर्विस देता है इन रूरल एरिया तो एग्जेम्प्ट होता है, अर्बन एरिया में दिया तो टैक्स लगेगा, पर बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विस दी किसको? बैंकिंग कंपनी को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और अगेन बैंकिंग कंपनी लायबल है, मिस्टर पेठालाल लायबल नहीं है, इसलिए इसकी लायबिलिटी में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, सिक्योरिटी सर्विसेज। ओके, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू दामोदर इंजीनियरिंग कॉलेज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ, सिक्योरिटी सर्विसेज टू रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कॉलेज प्रीमाइसेस। ओके, सरकार कॉलेज प्रीमाइसेस का सिक्योरिटी सर्विसेज देना था, और स्टार मार्कर लिखा क्या, ऑल द इंजीनियरिंग कोर्सेज रन बाय डीसी जो कॉलेज है आर रिकॉग्नाइज बाय लॉ द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो AICTE के एग्जाम होते हैं। बेटा ओके सर, देन देन बेटा ये कॉलेज है जो रिकॉग्नाइज डिग्री कोर्स दे रहा है आपको, तो ऐसे केस में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आ जाएगा, पर सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज और क्लीनिंग सर्विसेज परफॉर्म इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये एग्जाम्प्ट होता है केवल किसके लिए? स्कूल के लिए, और प्री सर प्री स्कूल और स्कूल के लिए। बेटा कॉलेजेस और वोकेशनल एजुकेशन कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं सर उनके लिए एग्जिमिशन अवेलेबल नहीं, मतलब ये टैक्सेबल है, और टैक्सेबल है तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, पर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करी किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, और आरसी में टैक्स पे करेगा कौन? रेसिपिएंट। बच्चों ध्यान रखना, टैक्स इसको नहीं पे करना है, पर रेसिपिएंट को पे करना है। रिवर्स चार्ज में आपको वर्किंग नोट में लिख के आना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों आपको। क्लियर? ये एग्जाम क्यों नहीं समझ में आया बेटा? क्योंकि दीज सर्विसेज टू स्कूल ओनली आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। बेटा फर्दर, ओके, ही हैज रिसीव्ड द फॉलोइंग सर्विसेज इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर। उसने रिसीव किया सर्विसेज को, किन किन सर्विस को रिसीव किया? फर्स्ट क्या है, फ्रेट पेड टू अनरजिस्टर्ड जीटीए फॉर हिज बिजनेस एक्टिविटी रिलेटिंग टू सीरियल नंबर 1 अबव। फ्यूनरल सर्विसेज रिलेटेड उसने फ्रेट पे किया है ट्रांसपोर्ट जीटीए को। बेटा ओके बच्चों देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड पे टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। बेटा डिसीज का ट्रांसपोर्टेशन किया है तो एग्जाम, तो सॉरी एग्जाम नहीं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, शेड्यूल 3 में कवर होता है। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ डिसीज किया है, इसने लिखा है कि इसने जो फ्यूनरल सर्विसेज दी है वो फ्यूनरल सर्विस देने के लिए इसने जीटी की सर्विसेज ली है। अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कोई भी गुड्स का हो सकता है बेटा, टू प्रोवाइड द फ्यूनरल सर्विसेज बेटा, हाँ है ना? तो ऐसे केस में वो तो एग्जाम है नहीं, तो टैक्सेबल हो जाएगी। अब टैक्सेबल होगी, ये रजिस्टर्ड है और जीटीए रजिस्टर्ड नहीं है, तो सर नेचुरल सी बात है सर 5% टैक्स पे करने की लायबिलिटी आएगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और यहाँ पर रेसिपिएंट जीटीए लायबल होगा, रेसिपिएंट पेठालाल लायबल होगा जीएसटी पे करने के लिए, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में बेटा। तो सर यहाँ पे आरसीएम की लायबिलिटी आएगी। सेकेंड थिंग, आरसीएम लायबिलिटी आएगी, कितनी आएगी बेटा? 5% आएगी, किस पर? 1 लाख पर, सिंस ऑल ट्रांजेक्शन इंटरेस्टेड सप्लाई माना हुआ है, तो 2.5% CGST, 2.5% SGST, तो 2500 रेस्पेक्टिवली CGST एंड SGST का लाइव डे आ गया इसका। ओके क्लियर? पर हाँ, एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि इसका ITC मिलेगा क्या, सिंस फ्यूनरल सर्विसेज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, आउटवर्ड पे कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं आती है, तो इनवर्ड सप्लाई का कोई ITC नहीं मिलता आपको पता है बेटा, तो कोई ITC नहीं मिलेगा बेटा इसका। ओके ये था पॉइंट नंबर ए आपका। फिर इनवर्ड सप्लाई कौन सा लिया? लीगल एडवाइस रिसीव फ्रॉम मेसर्स कानून एसोसिएट्स अ पार्टनरशिप फर्म सीकिंग एडवाइस इन रिलेशन टू टैक्स डिस्प्यूट ऑफ द बिजनेस। 50,000 रुपीज ने लीगल एडवाइस के लिए सर फीस दिया है, और आपको बताया लीगल एडवाइस इज फ्रॉम एडवोकेट्स और फर्म ऑफ एडवोकेट आर चार्जेबल टू GST इफ द रेसिपिएंट इज अ बिजनेस एंटिटी। पर सर उसका प्रीवियस फाइनेंशियल में अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन से कम होता है तो उस पर GST करंट ईयर में एग्जम्प्ट होता है, और सिंस मिस्टर जेठालाल नहीं पेठालाल सर, पेठालाल का प्रीवियस फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 19,90,000 था, विच वॉज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, और हमने मेगा एग्जाम्पल लिस्ट में पढ़ा हुआ है कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वॉज नॉट अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ऐसे केस में उस पर GST एग्जम्प्ट हो जाएगा, और लीगल सर्विसेज
आर नॉट लाइबल टू जीएसटी, अदरवाइज रिवर्स आज में इसको टैक्स पे करना पड़ जाता बेटा। हाँ है ना बेटा, माहौल कोई जीएसटी नहीं है इस पर, क्लियर। जब टैक्स पे करना है क्रेडिट की बात आती भी नहीं बेटा। ऑल द ट्रांजेक्शन स्टेटेड अबव आर इंटरस्टेट अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव जीएसटी, वेर एवर एप्लीकेबल यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द नेट जीएसटी पेबल बाय मिस्टर पेठालाल। ओके, नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी बच्चों। सर तो कितना पेबल आएगा, 20,500 सीजीएसटी, 20,500 एसजीएसटी इज द फाइनल अमाउंट विच इज पेबल बाय मिस्टर पेठालाल। हाँ है ना, तो जेठालाल 20,500 रुपये जीएसटी पे करेगा, क्लियर, गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन कैश, क्लियर, कैश में पे करना पड़ेगा बेटा उसको, क्योंकि क्यों आईटीसी के पास है नहीं। और सर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी तो एनीवेज कैश में पे करनी पड़ती बेटा। आइए माहौल सरकार, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब हम बढ़ रहे हैं कहां, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आओ बच्चों, सर अराइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग वेरियस गुड्स हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस एट मुंबई एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे एंड चेन्नई एंड सर्विस सेंटर्स इन कोलकाता एंड बेंगलुरु। ओके, कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पुणे में, चेन्नई में, और सर्विस सेंटर है कहाँ, कोलकाता और बेंगलुरु में। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट पुणे एंड चेन्नई एंड सर्विस सेंटर एट कोलकाता एंड बेंगलुरु आर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक रेस्पेक्टिवली बेटा, वेरी गुड। द कॉर्पोरेट ऑफिस इज रजिस्टर्ड एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आईएसडी सेक्शन नंबर 20 and 21 रेड विद रूल नंबर 39 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। माहौल, ऑल द यूनिट्स एंड सेंटर्स ऑफ अराइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आर ऑपरेशनल इन द करंट ईयर, क्योंकि ऑपरेशन होते तो ही आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट होता है रेस्पेक्टिव यूनिट्स को। द कॉर्पोरेट ऑफिस इंटेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, यू द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। ओके, क्वेश्चन के एंड में देखिए बेटा कुछ इसने बॉक्स के बाद लिखा है क्या, चेन्नई यूनिट नेक्स्ट पेज में दे रखा है, चेन्नई यूनिट मैन्युफैक्चर्स एग्जिम्प्टेड प्रोडक्ट्स। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई यूनिट एग्जिम्प्ट गुड्स बनाया है, टैक्स बनाया है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे बेटा, एलिजिबल क्रेडिट हो या इन एलिजिबल क्रेडिट हो, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ आईटीसी टू बी डिस्ट्रीब्यूट टू ईच ऑफ द यूनिट्स एंड सेंटर्स, कितना आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा। ओके सर, आपको पता है जिन भी यूनिट को ट्रांसफर करना होता है उनके टर्नओवर के बेस पे दिया होता है। अब टर्नओवर दे रखा गया सर, यस, टेबल नंबर 1 देखिए, यूनिट और सेंटर पुणे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु। टर्नओवर फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, सर प्रीवियस फाइनेंशियल का एनुअल टर्नओवर के बेस पे, टर्नओवर के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, पर अगर प्रीवियस फाइनेंशियल का एनुअल टर्नओवर नहीं है तो लास्ट क्वार्टर जब टर्नओवर अवेलेबल होते हैं चारों के उसके बेस पे, तो सिंस प्रीवियस फाइनेंशियल के टर्नओवर नहीं दे रखे क्वेश्चन है तो लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर ले लेंगे हम बेटा। तो टर्नओवर दे रखा है पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु और सर पुणे, चेन्नई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। ओके बच्चों ध्यान रखना, अब हमारा जो ध्यान है, हम जो क्लास के अंदर लेक्चर्स में हम जो आईएसडी के क्वेश्चन करते हैं उसके लिए जो बॉक्सेस बनाते हैं वो अभी से बना दो बेटा, सॉल्यूशन करना आपके लिए इजी रहेगा। ओके सर, ओके बच्चों, यहां पहले बात अभी देखिए, इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है बेटा, मुंबई, मुंबई मतलब महाराष्ट्र। एक और ऑफिस कहाँ है बेटा, पुणे में। अब सर पुणे भी कहाँ था बेटा, महाराष्ट्र में। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब इसको मुंबई महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में क्रेडिट अगर पास होता है तो आपको पता है सीजीएसटी बिल पे लिखा है, एजीएसटी लिखा हुआ है, आईजीएसटी लिखा हुआ है, जो रेस्पेक्टिव टैक्स परचेज बिल पे लिखा हुआ है वही रेस्पेक्टिव आईटीसी पास होगा रेस्पेक्टिव यूनिट को अगर सेम स्टेट में है तो, और अदर स्टेट में तो हमेशा आईजीएसटी की फॉर्म में पास होता है, ये आपको बात पता है। तो हमने ड्राफ्टिंग उस तरह से करी है, यहां मैं लिखता हूं पुणे ऑफिस यहां, और हाँ मैं सिक्वेंस वही लिखता हूं जिस रेशियो में, जिस सीक्वेंस में आपको टर्न ओवर दे रखा, सो दैट एरर के चांस नहीं रहे आपको, रेशियो में डिवाइड करना होगा ना बेटा, तो जिस रेशियो में, जिस सीक्वेंस में आपको टर्न ओवर दे रखे उसी सीक्वेंस में सिटी का नाम लिखता हूँ बेटा, ऑफिस का नाम, देन कोलकाता एंड देन बिग बैंग बेंगलुरु माहौल। सर यहां पे मैं अलग से कॉलम बना रहा हूं,
ये है CGST, SGST, IGST, यहाँ पे ओनली IGST, IGST और IGST, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में है। ओके सर, आइए हम बात करते हैं। टर्नओवर दे रखे हैं, एक काम करो टर्नओवर भी यहाँ लिख दो, ध्यान रहेगा। 20 लाख, चेन्नई का 30 लाख, कोलकाता का 10 लाख और बेंगलुरु का 40 लाख, मतलब 2:3:1:4 के रेशियो में आपको कॉमन क्रेडिट को डिवाइड करना होगा, अगर कॉमन ITC होगा तो। हम देखते हैं क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे सर आगे क्या सॉल्यूशन आएगा। आइए सर, सबसे पहले टेबल वन में जो लास्ट थर्ड आपको कॉलम दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, एलिजिबल ITC ऑन इनपुट सर्विसेज एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफिक यूनिट और सेंटर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर कोई सर्विस किसी एक पर्टिकुलर सेंटर या फैक्ट्री के लिए ही है तो वो क्रेडिट भी उसी पर्टिकुलर यूनिट या सेंटर को ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो सर पहले हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। फर्स्ट दे रखा है क्या, एलिजिबल ITC है, फर्स्ट दे रखा है पुणे के लिए IGST 3 लाख, CGST 30,000 और SGST 30,000। तो सर पुणे अगर आपको ट्रांसफर करना है महाराष्ट्र मुंबई से ही, तो ऐसे केस में जो रेस्पेक्टिव टैक्स है रेस्पेक्टिव ITC पास हो जाएगा, तो 3 लाख। पिंक कलर लेते सर, पिंक, ठीक है सर, माहौल एकदम। तो सर IGST में 3 लाख, देन CGST में 30,000, देन SGST को भी 30,000, ये रेस्पेक्टिव टैक्स रेस्पेक्टिव सर हेड में पास ऑन हो जाएगा अगर सेम स्टेट में है तो। ओके फिर चेन्नई के लिए जो परचेज बिल पे ITC लिखा हुआ है वो IGST दे रखा है 24,000, CGST SGST अलग अलग दे रखा है बेटा। पर आपको पता है अगर महाराष्ट्र से चेन्नई जाएगा तो हमेशा IGST की फॉर्म में ही जाएगा, और IGST की फॉर्म में जाएगा तो सी हो एस हो या आई हो, सर सबको ऐड कर दो सर। तो 24,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 ऐड करेंगे तो 36,000 हो जाएगा साहब, ये IGST फॉर्म में पास होगा हमेशा। देन कोलकाता और बेंगलुरु के लिए स्पेसिफिक सर्विस कुछ है नहीं, जो है वो कॉमन ही है, माहौल, ये आपका एक तरह से एक ही पॉइंट में काम खत्म हो गया साहब। देन अच्छा टर्नओवर एक्सक्लूड टैक्सेस एंड ड्यूटीज, और आपको पता है कि प्रीवियस जो क्वार्टर का टर्नओवर हम लेते हैं उसमें वेट एक्साइज CST या स्टेट टर्नओवर स्टेट एक्साइज अगर होता है तो उसको हम टर्नओवर का पार्ट नहीं मानते हैं, और अगर कोई GST का अमाउंट होता है तो वो भी वैल्यू का पार्ट नहीं मानता है। तो वैसे भी टर्नओवर ने इसने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि इट एक्सक्लूड्स ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, क्योंकि ISD डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वेट एक्साइज CST या स्टेट एक्साइज टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता बेटा। ओके वैसे भी इंक्लूड नहीं किया, बात कर रहा हूँ सर। टेबल वन टू में ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इनपुट सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज यूज्ड बाय ऑल द यूनिट्स और सेंटर्स। अब उसमें दे रखा है एलिजिबल ITC अंडर द प्रोविजन अंडर GST लॉ, और बी दे रखा है इन एलिजिबल ITC इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 175। देखो ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो, इन एलिजिबल हो या एलिजिबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे, उसका पहले ए और फिर बी, ए हो या बी हो डिस्ट्रीब्यूट तो सब में होगा सब। ओके सर एलिजिबल ITC अंडर द प्रोविजन ऑफ द GST लॉ। ओके बच्चों देखो बेटा एक काम करो, CGST हो SGST हो या IGST हो, तीनों के अमाउंट को ऐड कर दो। तो सर 1,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 240, तो सर हो जाएगा कितना 4,80,000। पहले हम ए का बात करें सर, तो सर 4,80,000, आप चाहे ना सर तो इन एलिजिबल ITC के अमाउंट को भी ऐड कर दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता एलिजिबल हो या इन एलिजिबल हो, हमको तो ऐड करना है बेटा, ठीक है अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 4,80,000 इज द टोटल अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ऑल दी फोर यूनिट। अब चारों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने अमाउंट को, 4,80,000 के अमाउंट को, क्लियर। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस रेशियो में करेंगे, 20:30:10:4, तो सर 10:40। तो पहले एक काम करो चेन्नई कोलकाता और बेंगलोर का रेशियो निकाल लो, पुणे के बाद में देखते बेटा। तो 4,80,000 डिवाइड बाय, आप 2:3:1:4 देखेंगे तो डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, तो 192 तो आ जाएगा किसका, बेंगलुरु का शेयर। 1 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा कोलकाता ब्रांच का शेयर जो IGST फॉर्म में जाएगा बेटा। चेन्नई के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, 1,44,000 आ जाएगा बेटा आपका, ये चेन्नई को डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। अब बात आती है किसकी, पुणे की। जब पुणे में ट्रांसफर करेंगे तो 20% हो जाएगा बेटा, एक तरह से 20 डिवाइड बाय 100 हो रहा है बेटा। तो सर अब जब पुणे को हम ट्रांसफर करेंगे तो जो रेस्पेक्टिव टैक्स है उसी फॉर्म में जाएगा बच्चा। तो एक काम कर, पुणे का रेशियो 20 डिवाइड बाय 100 बेटा, मतलब 1/5 हो गया एक तरह से, तो पुणे का रेशियो है 1/5। अब 1/5 जो आएगा किसका, 1,20,000 CGST है उसका डिवाइड बाय 5 कर दे, 24,000 CGST जाएगा बेटा। देन
24,000 ही, एसजीएसटी जाएगा 120 डिवाइड बाय 1/5 और 2,40,000 डबल कर दो सर, 48,000। हाँ है ना बेटा। तो सर ये अमाउंट आ गया सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी रेस्पेक्टिवली फॉर पुणे ब्रांच, क्योंकि सेम स्टेट में होता है, तो सीजीएसटी सीजीएसटी के फॉर्म में जाएगा, आईजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में ट्रांसफर होगा और एसजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। बाकी सब ब्रांच में हमने क्लब करके इसलिए किया क्योंकि हमेशा आईजीएसटी के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा क्रेडिट अदर स्टेट के अंदर बेटा। अब इन एलिजिबल आईटीसी टोटल अमाउंट बताओ कितना सर हो गया, 40 और 80 कितना, 1,60,000। अगेन सेम सर सिस्टम करिए आप, 1,60,000 डिवाइड बाय 10 कर दो सर एक बार आप, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे 64,000 यहां जाएगा ट्रांसफर होके, देन सर मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 16,000 तो आ जाएगा आईजीएसटी ट्रांसफर हो रहा है किसको, कोलकाता ब्रांच को, देन चेन्नई ब्रांच की मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो बेटा 48,000 यहां ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमारे पुणे ब्रांच के लिए सर 40,000 मल्टीप्लाई बाय 20% या 2 कर दो या डिवाइड बाय 5 कर दो, एक ही बात है सर, तो 40,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया हमने सर, तो कितना आ गया बेटा 8,000। अरे समझ में आ रहा है क्या, पक्का ना, पक्का ऊपर से तो नहीं जा रहा है 100%, ओके नहीं तो पतंग उड़ जाएगी और उड़ के कट जाएगी, पता नहीं पड़ेगा सर, आराम से बीबीत में अच्छे से समझे बेटा। तो सर 2:10 के रेशियो में अगर डिवाइड किया 1/5 तो सर 8,000 आ गया किसके लिए, पुणे के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी, अगेन 40,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे 8,000 आ जाएगा, एंड इधर सर 16,000 अमाउंट आ जाएगा किसके लिए, पुणे ब्रांच के लिए आईजीएसटी का अमाउंट आईटीसी पास होगा, इन एलिजिबल आईटीसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सेकंड ये खत्म पॉइंट नंबर 1, आइए माहौल पॉइंट नंबर 2, इनपुट्स यूज्ड बाय पुणे यूनिट एंड कोलकाता सेंटर। ए भाई इनपुट सही है, और आपको पता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैन डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ ओनली इनपुट सर्विसेज नॉट इनपुट्स, दिमाग खराब नहीं करने का साहब, हटाओ माहौल। नंबर 3, इनपुट सर्विसेज यूज्ड बाय चेन्नई यूनिट एंड बेंगलुरु सेंटर आईटीसी पर्टेनिंग टू सच सर्विसेज इज एलिजिबल आईटीसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। एलिजिबल हो इन एलिजिबल को मतलब नहीं बेटा, पर कहां काम आ रहा बेटा ये, चेन्नई और बेंगलुरु, तो एक काम करो बाकी यूनिट में डैश मार्क कर दो सर, तो कंफ्यूजन का सर चांस रहेगा नहीं, चेन्नई बेंगलुरु में ही ट्रांसफर करना है तो हमेशा आईजीएसटी फॉर्म में जाएगा महाराष्ट्र से। तो टोटल अमाउंट देख लो सर, 30,000 + 10 कितना हो गया साहब 70,000। अब 70,000 को डिवाइड करना है केवल चेन्नई और बेंगलुरु में, और चेन्नई बेंगलुरु का शेयर कितना है 30 और 40, तो उसी रेशियो में होगा बेटा, तो 3:4 के रेशियो में, मतलब 30,000 आईटीसी यहां जाएगा 40,000 आईटीसी बेंगलुरु जाएगा बेटा। माहौल पॉइंट नंबर 3 खत्म होता है, अब आइए बस खत्म। अरे माहौल सर इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है, अब इन अमाउंट्स को ऐड कर दीजिए टोटल अमाउंट आ जाएगा और इतना अमाउंट टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा ये आईएसटी इन दिस मंथ बेटा, क्लियर। इसी के साथ पूरा क्वेश्चन भी खत्म होता है, आपने देखा हो तो सर बहुत कंफर्टेबली ये क्वेश्चन पूरा आपका हो गया है बेटा, क्लियर। तो सर अगर फंडामेंटल क्लियर है तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। रेसिपिएंट भले ही एग्जाम टर्नओवर करता हो या एलिजिबल आईटीसी हो, इन एलिजिबल आईटीसी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। जो रेशियो हमने बात करी है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बात खत्म बेटा, क्लियर। भारत माता की जय। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म होता है, अब माहौल सरकार। अरे समझ में तो आ रहा है ना बेटा, हाँ ओके सर आओ मालिक सर, ध्यान रखना जोश शुड बी हाई, हाउ इज द जोश हाई सर, माहौल होना चाहिए सर। क्वेश्चन नंबर 13, दुष्यंत रेंट्स आउट अ कमर्शियल बिल्डिंग ओन बाय हिम टू भरत फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर विच ही चार्जेस रेंट ऑफ ₹19,50,000। ओके सर दुष्यंत पेज मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹1,00,000 बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, अरे सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है बेटा आपको, सेम क्वेश्चन आरटीपी में कॉपी करके दिया है वाला क्वेश्चन। दुष्यंत रेंट आउट ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बेटा ओन बाय हिम टू भरत फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर फॉर विच ही चार्जेस रेंट ऑफ ₹19,50,000। ओके देन दुष्यंत पेज द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹1,00,000 फॉर द दिसंबर मंथ, दिसंबर महीने के लिए उसने ₹1,00,000 मेंटेनेंस चार्ज पे किया है एज चार्ज बाय द लोकल सोसाइटी, सोसाइटी ने उसने ₹1,00,000 चार्ज किया, दुष्यंत जो ऑनर है उसने पे किया, दीज चार्जेस हैव बीन रीइंबर्स टू हिम बाय भरत, उसने भरत से रीइंबर्समेंट लिया बेटा। अब सुनो बेटा, अगर रेंट पे प्रॉपर्टी देना है तो सर मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, अब अगर आप रेंट के साथ में मेंटेनेंस भी दे रहे हो तो सर वो ऑब्वियस ही बात है वो क्या होगा, वैल्यू का बाढ़ बनेगा, क्योंकि सप्लाई और सर्विस करने के लिए वो एक्सपेंस
इंकर करना एसेंशियल था, और एक्सपेंस अगर सप्लायर रेसिपिएंट से रिकवर करता है तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनता है, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई बेटा, क्लियर? एज पर सेक्शन 15 सब सेक्शन 2, ये वो चार्जेस हो गए, दीज आर अ काइंड ऑफ इंसिडेंटल चार्जेस विच आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द सर्विसेज, अगर अपने कस्टमर से कलेक्ट किए तो वैल्यू का पार्ट बनेगा, 1 लाख रुपये वैल्यू में इंक्लूड करेंगे साहब, ओके? क्योंकि आपने क्लाइंट से लिया है, रेसिपिएंट से लिया है, इसलिए फर्दर भरत जो टेनेंट है, हेड गिवन ₹2,50,000 टू दुष्यंत इज इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता क्योंकि वो रिफंडेबल है बेटा, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है, वो तो इंटरेस्ट फ्री होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत फर्दर दुष्यंत हैज पेड द म्युनिसिपल टैक्सेस ₹2,85,000 विच ही हैज नॉट चार्ज फ्रॉम द भरत, भाई ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसने म्युनिसिपल टैक्स पे किया 2,85,000 और उसने कस्टमर से रिकवरी नहीं किया है, तो कस्टमर से जब लिया ही नहीं हमने पैसा तो वैल्यू का पार्ट बनने का बात आता भी नहीं सब, ओके, कोई इंक्लूड करने की बात नहीं आएगी। देन यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बस, एंड द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ द दुष्यंत फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर अज्यूमिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रेट टू बी 9% ईच, अज्यूम ऑल नोट ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ये लो साहब 19,50,000 वैल्यू आ गया, सॉरी 19,50,000 प्लस 1 लाख 20,50,000 इज द वैल्यू, और सर इस पे 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी अमाउंट जाएगा, दैट विल बी चार्ज, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ जीएसटी बेटा, क्लियर, डन। आइए क्वेश्चन नंबर 14, सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 14, सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरर ऑफ बॉटल कैप्स इज रजिस्टर्ड इन धनबाद झारखंड, ओके, इट इंपोर्ट्स अ बॉटल कैप मेकिंग मशीन फ्रॉम जापान, ओके, इसने मशीन मैन्युफैक्चर मशीन इंपोर्ट करी जापान से, सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड अवेल्स द सर्विसेज ऑफ जुमरो लॉजिस्टिक्स अ लाइसेंस्ड कस्टम्स ब्रोकर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इन मीटिंग ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर गेटिंग द मशीन सेड मशीन क्लियर फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, बेटा सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है क्योंकि ये पहले भी आरटीपी वगैरह में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी करके दिया आपके लिए, पर हाँ फिर भी इसको सॉल्व करते बेटा। तो सर और याद है जो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ वैल्यूएशन का, तो मैंने जो सीएचए का आपको एग्जांपल दे रखा है कस्टम्स हाउस एजेंट वाला, प्योर एजेंट वाला, क्लियर, वही फंडा बना के आईसी ने क्वेश्चन बनाया हुआ साहब। आइए माहौल होगा क्वेश्चन के अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन, मजा आएगा सर, ओके। सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर ने क्या किया बेटा, जुमरो लॉजिस्टिक को एज अ लाइसेंस कस्टम्स ब्रोकर अपॉइंट किया है कोलकाता के अंदर टू मीट विद ऑल द फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटी के लिए बेटा, इन गेटिंग सेड मशीन क्लियर फ्रॉम द कस्टम स्टेशन। सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऑल्सो ऑथोराइजेज जुमरो लॉजिस्टिक्स टू इंकर ऑन इट्स बिहाफ द एक्सपेंसिस इन रिलेशन टू क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम द कस्टम स्टेशन, ओके सर, कस्टमर ने ऑथोराइज किया है एजेंट को टू इंकर एक्सपेंसिस ऑन हिज बिहाफ टू इन रिलेशन टू क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम द कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंगिंग द सेम टू इट्स वेयर हाउस एट धनबाद, ओके, आप कस्टम स्टेशन से क्लियर करा के मेरा वेयर हाउस धनबाद में है वहां पे लेके आइएगा, उसका जो भी चार्जेस होगा मैं आपको रीइंबर्स करूंगा, मतलब एज अ प्योर एजेंट वो इंकर करेगा और हम उसको रीइंबर्स करेंगे, देखते प्योर एजेंट की सारी कंडीशन पूरी करता नहीं करता वो। दीज एक्सपेंसिस वुड बी रीइंबर्स्ड बाय सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड टू जुमरो लॉजिस्टिक्स ऑन एक्चुअल बेसिस, और एक्चुअल बेस पे अगर अलग से बिल में इंडिकेट किया होता तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, वो प्योर एजेंट है क्योंकि हमने उसको ऑथराइज किया है, ही वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू इंकर दोज एक्सपेंसिस, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी तो केवल गुड्स को क्लियर कराने की थी बेटा। इन एडिशन सेक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड विल ऑल्सो पे एजेंसी चार्जेस टू जुमरो लॉजिस्टिक्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, ऑब्वियस बात है हम वो हमारा एजेंट है उसको हम कमीशन तो देंगे सब, तो उसके एजेंसी चार्ज हम देंगे देंगे, उसके अलावा रीइंबर्समेंट देंगे जो कॉस्ट उसने इंकर करी पोर्ट से लेके हमारी वेयर हाउस तक बेटा। जुमरो लॉजिस्टिक्स रेज्ड एन इनवॉइस इन जुलाई एज फॉलोज, ओके उसने इनवॉइस रेज किया, ओके एक बार क्वेश्चन के एंड में देख लो हमको क्या निकालना है, स्टार मार्कर लिखा है अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल इफ एनी, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय जुमरो लॉजिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ओके क्वेश्चन नंबर 14 हम सोल्व कर रहे बेटा, ये वुड योर आंसर भी डिफरेंट, ओके बात करेंगे बाद में सर, पहले एक बार इस आंसर को देख लेते हैं, ओके आपको वैल्यू निकालना यूजिंग अबव इन्फॉर्मेशन, एजेंसी चार्जेस 5 लाख यस वो कमीशन एजेंट है हमारा, उसने एजेंट की तरह एजेंसी चार्ज चार्ज किए वो वैल्यू का पार्ट बनेगा,
कस्टम ड्यून मशीन जो उसने हमारे बिहाफ पे किया टू क्लियर द गुड्स और हमारे वेयर हाउस तक लाने का, कस्टम ड्यून इसकी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा ये कभी भी एज अ ये कभी भी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, ये हमेशा हमेशा एज अ प्योर रीजन माना जाएगा क्योंकि इसने हमारे बिहाफ पे कस्टम ड्यून पे किया, बिल में अलग से इंडिकेट किया और एक्चुअल बेस पे उसने हमसे रिकवरी किया, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, दीज आर कवर्ड अंडर प्योर एजेंट कॉन्सेप्ट। पोर्ट चार्जेस अगेन हमारे बिहाफ पे उसने इंकर किया क्योंकि सर हमने उसको ऑथराइज कर दिया कि कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा लगे वो इंकर कर लेना हमारे बिहाफ पे, हम उसको आपको रिइंबर्स करेंगे एक्चुअल बेस पे। और सर कोई एक्सपेंस जो सप्लायर इंकर करता है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट जिसके लिए रेसिपिएंट ने उसको ऑथराइज किया और सर वो थर्ड पर्सन को पे करता है, सप्लायर थर्ड पर्सन को पे करता है जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल था कौन, रेसिपिएंट, और ऐसे केस में बिल में अलग से अमाउंट लिखा है और सर अलग से अमाउंट इंडिकेट करके एक्चुअल अमाउंट जो कस्टमर से जो उसने थर्ड पर्सन को दिया है वही रिकवरी किया तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता बेटा। पोर्ट चार्जेस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेंगे, डॉक ड्यूज वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीन फ्रॉम कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल टू झुमरू लॉजिस्टिक्स गोडाउन इन असनसोल वेस्ट बंगाल बेटा। तो अगेन सर कस्टम पोर्ट से लेकर धनबाद तक के वेयरहाउस का जो भी चार्ज होगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या गोडाउन चार्जेस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि उसके लिए ऑथराइज किया हमने थर्ड पार्टी को, हमने ऑथराइज किया है कि तू पे कर देना, हम तुमसे जो अमाउंट होगा वो हम रीइंबर्स करेंगे, वो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा सब। देन चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन फ्रॉम झुमरू लॉजिस्टिक्स अनसोल गोडाउन टू द वेयरहाउस ऑफ द सैक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर लिमिटेड इन धनबाद। ओके तो सर झुमरू के वेयरहाउस से लेकर धनबाद तक ये वेयरहाउस तक ले जाने का खर्चा है वो भी हमने उसको रीइंबर्स किया है, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि हमने उसको ऑथराइज किया एंकर करने के लिए। देन अनलोडिंग ऑफ द मशीन एट कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल, अगेन पोर्ट पर अनलोडिंग करने का कॉस्ट हमने उसको ऑथराइज किया हमारे बिहाफ पे, उसने इंकर किया अलग से इंडिकेट किया प्राइस में, बिल पे अलग से इंडिकेट किया, एक्चुअल बेस पे चार्ज किया, वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। हाँ भाई होटल एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, दीज एक्सपेंसेस आर इंकर्ड बाय सप्लायर टू सप्लाई हिज सर्विसेज। देखो वो वेस्ट बंगाल पोर्ट पे जाके गुड्स को क्लियरेंस कराएगा, होटल में रुकेगा, ट्रैवलिंग खर्चे होंगे उसके, होटल अकोमोडेशन होगा सब, उसका टेलीफोन एक्सपेंस होंगे, दीज आर एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई सर्विसेज। अगर ये एक्सपेंस वो इंकर कर नहीं करता तो अपनी कमीशन वाली सर्विस नहीं दे पाता, इसलिए दीज विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। तो 45,000 क्योंकि दीज आर नॉट इंकर्ड एज ए प्योर एजेंट एंड दीज एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई सर्विसेज, और ये एक्सपेंस इंकर किए बिना वो अपनी सर्विस सप्लाई नहीं कर सकता था। तो टू कंप्लीट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नीड टू इंकर दीज एक्सपेंसेज, सो दिस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। ऑल द बिल में अलग से लिखा है फिर भी वैल्यू का पार्ट बनेगा, वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। और सर 597,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इनको ऐड करेंगे और दिस इज द वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज पेबल बाय द सप्लायर। हाँ है ना बच्चों, एंड दिस इज द वैल्यू। डन, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म होता है अब। नहीं, गलती हुई थी हमसे एक क्वेश्चन नंबर 14 के एंड में, एक और क्वेश्चन हमसे पूछा इसने। क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पैराग्राफ देखिए वापस से, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय झुमरू लॉजिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ झुमरू लॉजिस्टिक्स चार्जेस ₹13 lakh एज अ लमसम कंसिडरेशन फॉर क्लियरिंग द इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम कस्टम स्टेशन एंड ब्रिंगिंग द सेम टू द वेयरहाउस ऑफ द सैक्रोसेंट मैन्युफैक्चरर लिमिटेड। सर अगर मैंने झुमरू को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि एक काम करना मैं तेरे को ₹13 lakh दूंगा लमसम, तेरे को गुड्स कस्टम क्लियरेंस करा के मेरी फैक्ट्री लेके आना, पैसा बोल, उसने बोला 13 lakh, मैंने कहा डन। तो सर नाउ एज पर कॉन्ट्रैक्ट मैं उसको 13 lakh दूंगा, अब कोई भी एक्सपेंस उसको इंकर करना है, कुछ भी खर्चा उसको इंकर करना है, वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ही इज नॉट इंकरिंग दोज नाउ दीज एक्सपेंसेस ऑन माई बिहाफ, ही इज इंकरिंग एक्सपेंस ऑन हिज ओन बिहाफ। तो वेन झुमरू इज इंकरिंग एक्सपेंसेस ऑन हिज ओन बिहाफ तो ऑल दीज एक्सपेंसेस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई। और सर पूरा 13 lakh ही क्या हो जाएगा, वैल्यू सप्लाई हो जाएगा क्योंकि सर उसने एज अ प्योर एजेंट कोई भी एक्सपेंस मेरे बिहाफ पे इंकर नहीं किया, उसने लमसम हमसे 13 lakh चार्ज किया, बिल में कोई अमाउंट अलग से इंडिकेट नहीं किया, एज अ प्योर एजेंट नहीं है सबका कोई भी काम। क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मेरी फैक्ट्री तक पैसा मेरी फैक्ट्री तक गुड्स लाने का पैसा बोला 13 lakh, तो ऑल दीज एक्सपेंस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, पूरा 13 lakh पे जीएसटी लगेगा बेटा। डन, एंटायर 13 lakh इज द वैल्यू सप्लाई बेटा। माहौल सेम एग्जाम्पल मैंने बुक में दिया था, सेम एग्जाम्पल सर मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको जब मैं वैल्यूएशन शुरू करता हूं तो बेटा माहौल। आइए सर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इनोवा भावे इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, ही सप्लाई सम सर्विसेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड कलेक्ट द आईजीएसटी ₹15,50,000 ऑन द सेड सप्लाई ऑन 18th of April। अप्रैल में सर्विसेज दी और ₹15,50,000 आईजीएसटी कलेक्ट कर लिया 18 अप्रैल को हिसाब। However, he fails to pay the tax so collected within 30 days from the due date of making payment of tax to the government. साहब जो ड्यू डेट था उससे 30 दिन गुजर गए, इसने टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को,
नो शो कॉज नोटिस हैज बीन इश्यूड टू हिम सो फार. इनोवा भावे डिसाइड टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस इज ही इज ऑफ द व्यू दैट ही इज ऑफ द व्यू दैट नो पेनल्टी इज लेवेबल इफ द पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड बिफोर इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस. आपको पता है कि अगर शो कॉज नोटिस से पहले आप सेल्फ असेस करके टैक्स पे करते थे तो नो पेनल्टी इज चार्ज. पर अगर आपने सेल्फ असेसमेंट कर दिया और कस्टमर से टैक्स ले लिया और ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट से 30 दिन निकल गए उसके बाद पे किया तो पेनल्टी का जो वेवर होता है वो आपके केस में नहीं मिलता है अगर आपने सेल्फ असेस करके टैक्स कस्टमर से ले लिया तो. इसलिए एक और क्वेश्चन क्या बोलता है, देयरफॉर ही सेल्फ असेसेस हिज टैक्स लायबिलिटी एट रुपीज 15,50,000 एंड पेज द सेम ऑन 26th of June. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इफ एनी पेएबल बाय द इनोवा भावे. सरकार पेनल्टी लगेगा और आपको बताया सेक्शन नंबर 73 के अंदर, सेक्शन नंबर 73 में जब आप शो कॉज नोटिस आपको इश्यू नहीं हुआ उससे पहले भी अगर आप पे कर देते हो तो वैसे पेनल्टी का अमाउंट जीरो हो जाता है, पेनल्टी का अमाउंट जीरो होता है. पर अगर आपने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया टैक्स का अमाउंट और ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट से 30 दिन निकल गए अगर आपने पे नहीं किया तो पेनल्टी वेवर नहीं मिलता है. और मिस्टेक के केस में पेनल्टी होता है कितना बेटा, 73 के केस में, अदर देन फ्रॉड के केस में 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर. तो पहले हम निकाल रहे पेनल्टी का अमाउंट. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम देख रहे बेटा, पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा बेटा, 10% ऑफ व्हाट, टैक्स का अमाउंट, टैक्स इन्वॉल्व 15,50,000 था बेटा उसका 10% कितना होगा बेटा 1,55,000 और रुपीज 10,000 विच एवर इज हायर, या इधर लिखो अच्छे से और रुपीज 10,000 ऑब्वियस ही बात है विच एवर इज हायर. अरे जल्दी बताओ ना, 1,55,000 में से और 10,000 में विच एवर इज हायर, अरे हायर कौन सा है, 1,55,000 सर. तो 1,55,000 इसको पेनल्टी पे करना पड़ेगा ऑल दो शो कॉज नोटिस से पहले उसने टैक्स जमा करा दिया फिर भी सर. सेकंड थिंग इसने पूछा इंटरेस्ट कितना पे करना है, 18% पर एनम सर. अब सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम बेटा, 15,50,000 इज द टैक्स का अमाउंट, 18% पर एनम इज द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट. अब सर अप्रैल मंथ का अमाउंट था सर, अब अप्रैल मंथ का इसने कब पे किया, 26 जून को पे किया. अब अप्रैल मंथ की लायबिलिटी कब आती है बेटा आपको पता है सर, नेक्स्ट मंथ की 20th को, तो 20th मई इज द ड्यू डेट. तो सर ऐसे केस में इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा 21st मई से 26th of जून तक का इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब सब आप कैलकुलेट करेंगे तो सर 21 मई से मतलब मई महीने के 20 दिन निकाल दो बेटा, 21 को काउंट करेंगे बेटा, 20 तारीख की पहुंचते ड्यू डेट. तो 31 डे का होता है मंथ, मई मंथ बेटा, तो 11 डेज तो हो गए मई के एंड 26 डे हो गए किसके, जून के. आगे कितने, 37 डेज. तो आ जाएगा कैसे, 37 डेज डिवाइड बाय 365 डेज. तो सर 15,50,000 मल्टीप्लाई बाय 18% मल्टीप्लाई बाय 37 डिवाइड बाय 365 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा कितना, 28,282 दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राउंडेड ऑफ कर दिया मैंने नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में. इस इज पेबल बाय दी असेसी मिस्टर इनोवा भावे. माहौल आइए सरकार. पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 16 एग्जामिन, क्वेश्चन नंबर 16 एग्जामिन वेदर द ऑफेंस कमिटेड बाय, वेदर द ऑफेंसेज कमिटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज आर बेलेबल और नॉट. फर्दर डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट ऑन प्रोसिक्यूशन अंडर CGST एक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज बेटा. ओके सर कुल मिला के ये बेलेबल ऑफेंस है नॉन बेलेबल है देखना है और कितना पनिशमेंट लगेगा इम्प्रिजमेंट. सर सेक्शन नंबर 132 के क्वेश्चन बेटा ये, होमी गाभा, वाह क्या नाम है, होमी गाभा माहौल कलेक्ट्स रुपीज 2,40,000 एज टैक्स फ्रॉम द फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स एंड डिपॉजिट्स ओनली रुपीज 150 lakhs विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स इज नेट नॉट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज फाउंड दैट ही हैज फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड ही हैज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स टू इविट द टैक्स. ओके तो सर इसने दो ऑफेंस किए बेटा, पहली बात तो 240 कस्टमर से कलेक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं कराया गवर्नमेंट को, क्लियर, और डिपॉजिट जो कराया वो केवल 150 कराया बेटा, मतलब 90 लेके इसने डिपॉजिट नहीं कराया. पर देखो बेटा सिंस इसमें अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड
इज नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 CR, इसलिए वो इम्प्रिजनमेंट के लायबल नहीं है। क्लियर? तो 90 लेके उसने डिपॉजिट नहीं कराया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, क्योंकि आपको पता है अगर अमाउंट बियॉन्ड 3 मंथ हो जाता है और 1 करोड़ से अबव है, 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक है तो सर इम्प्रिजनमेंट है, फिर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ है तो 3 साल का इम्प्रिजनमेंट है, फर्स्ट केस में 1 साल का है और उसके बाद 5 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है बेटा, अगर 5 करोड़ से अबव का टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व होता है। इसमें तो 1 करोड़ से कम अमाउंट था इसलिए कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं, पर सिंस ही हैज मेंटेन्ड फॉल्सिफाइड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड हैज नॉट मेंटेन्ड प्रॉपर रिकॉर्ड्स विद द इंटेंशन टू इवेट द टैक्स, तो इस ऑफेंस की वजह से सर ही इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू सिक्स मंथ बेटा एंड विथ फाइन, तो 6 महीने तक की जेल इसपे हो सकती है। पर हाँ, ये सीवियर काइंड का ऑफेंस नहीं है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और यस दिस ऑफेंस इज बेलेबल ऑफेंस बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। आइए पॉइंट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, दत्तुकेश्वर दत्त कलेक्ट्स रुपीज 630 लैक्स एज टैक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स बट डिपॉजिट्स ओनली रुपीज 120 लैक्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, द बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ओके सर, तो 630 माइनस 120, तो 5 करोड़ 10 लाख इसने टैक्स का अमाउंट पे नहीं किया गवर्नमेंट को, एंड इफ दिस अमाउंट एक्सीड्स 3 मंथ, अगर इसने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर लिया और 3 महीने से ज्यादा हो गया और 5 करोड़ से अबव अमाउंट अगर है तो दिस इज एन ऑफेंस जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 5 ईयर्स एंड मिनिमम 6 महीने बेटा, मिनिमम 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है और ध्यान रखना ये मिनिमम 6 मंथ, अगर स्पेशल और एडिक्वेट केस अगर आप प्रूव कर देते हो, स्पेशल या एडिक्वेट केस अगर आपने प्रूव किया तो ऐसे केस में इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से कम हो सकता है, पर सर मैक्सिमम कितना होगा बेटा 5 साल तक का इम्प्रिजनमेंट इसमें होगा विथ फाइन। प्लस ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे सिंस ये ऑफेंस सर ध्यान देना 5 करोड़ से अबव अमाउंट है और सर ये सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 के क्लोज नंबर ए में कवर होता है ये, इसलिए दिस ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, क्या बेटा नॉन बेलेबल ऑफेंस बेटा एंड कॉग्निजेबल है बेटा ये, क्लियर। एंड सर इस क्वेश्चन ने एक और थर्ड पॉइंट पूछा बेटा अपने से, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इन द अबव केसेस इफ होमी गाभा एंड दत्तुकेश्वर दत्त रिपीट द ऑफेंसेज। बच्चों आपको पता है सेक्शन 132 के ऑफेंस अगर आपने एक बार कमिट कर दिए और उसके बाद सेक्शन 132 के किसी भी ऑफेंस को आपने वापस ही कमिट किया है तो सर इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड सर ऐसे केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स मिनिमम 6 मंथ एक्सेप्ट इन स्पेशल और एडिक्वेट केस, जो एडिक्वेट अगर स्पेशल और एडिक्वेट केस अगर प्रूव कर देते हो जो कोर्ट अपने जजमेंट में ऑर्डर में लिखेगा कि स्पेशल केस था तो 6 महीने से कम जेल हो सकती है, वरना मिनिमम 6 महीने सब्जेक्ट मैक्सिमम 5 करोड़ इररेस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड विथ फाइन। क्लियर? एंड सर वो क्या होता है सर ऐसे केस में आपको जेल होने वाली है कितना बेटा, कितना अप टू 5 ईयर मिनिमम 6 मंथ बेटा। क्लियर डन, भारत माता की जय। पॉइंट खत्म होता है अब। ओके आइए सरकार, ये था क्वेश्चन नंबर 16, आएंगे कहा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हम सर। सर एन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जनवरी, आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस कुल मिला के यूएसए में एक इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन होने वाला है जनवरी मंथ में, आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस हैज पार्टिसिपेटेड इन इट, इट इंटेंड्स टू सेंड 100 यूनिट्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट टू यूएसए फॉर डिस्प्ले इन सच एग्जीबिशन। बच्चों सर्कुलर आया हुआ है इसका और सर्कुलर के बेस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बना दे रहे हैं बेटा। सर ध्यान देना बेटा, आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस इज ऑफ द व्यू दैट द एक्टिविटी ऑफ सेंडिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, हाउएवर इट्स टैक्स एडवाइजर डज नॉट कंकर विथ इट्स व्यू, एग्जामिन वेदर द व्यू ऑफ आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस इज करेक्ट और नॉट। ओके पहले पूरा पढ़ लेते फिर हम देखते हैं इसने क्या पूछना है। पहली बात तो ये बेटा, जब गुड्स बाहर ले जाएगा एग्जीबिशन के लिए ले जा रहा है बेटा, गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे, वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे तो डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा। ओके सेकेंड बात, ये जीरो रेटेड सप्लाई के इसको में कवर नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, अगर वो एक्सपोर्ट किया या एसजेड को सप्लाई किया, हाँ है ना। एंड सर ये तो सप्लाई के स्कोप में ही कवर नहीं होता है क्योंकि दिट इज विदाउट कंसिडरेशन, और विदाउट कंसिडरेशन अगर आप कोई गुड्स को, क्योंकि गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे जा रहा है, विदाउट कंसिडरेशन अगर बाहर जा रहा है और शेड्यूल 1 में 4 ट्रांजेक्शन कवर है, वही ट्रांजेक्शन अगर विदाउट कंसिडरेशन होते हैं तो ही सप्लाई होते हैं, और ये तो नॉर्मल एग्जीबिशन जा रहा है बेटा, और नॉर्मल एग्जीबिशन में अगर आप भेजते हो तो वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर नहीं होता है, इसलिए वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। अब सप्लाई में नहीं आता है
तो जीरो रिटर्न सप्लाई में भी वो ऑब्वियस बात है नहीं आएगा। अब सर जीरो रिटर्न सप्लाई ही नहीं है तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइलिंग ऑफ LUT या बॉन्ड, कोई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या बॉन्ड साइन करने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर, ये जीरो रिटर्न सप्लाई के इसके ऊपर नहीं आएगा बेटा। ओके, तो फर्स्ट तो आपने देख लिया कि सर आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस का जो व्यू है कि ये जीरो रिटर्न सप्लाई है, ये गलत फ्रेमिंग उसकी बेटा। अज्यूमिंग दैट आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस कुड नॉट सेल एनी गुड्स एट एग्जीबिशन एंड ब्रिंग बैक एंटायर 100 यूनिट टू इंडिया इन फेब्रुअरी और सेकेंड इन अगस्त, कोई सेल नहीं हुआ, वापस गुड्स आ गए बेटा। डिस्कस द रिक्वायरमेंट टू इशू इनवॉइस इफ एनी इन ईच ऑफ द अबो इंडिपेंडेंट केसेस, पहले इसके बाद करते फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला उसके बाद कर लेंगे हम। बच्चों 100 यूनिट भेजी, कुछ भी सेल नहीं हुआ, तो सर ऐसे केस में आपको पता है सेल ऑन अप्रूवल बेस अगर होता है तो टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स आएगा बाहर बेटा, कोई LUT या बॉन्ड साइन नहीं करना। पर ध्यान रखना सेल ऑन अप्रूवल बेस के केस में जिस दिन आपने रिमूव किया उसके 6 मंथ में गुड्स आ जाना चाहिए, या फिर उसने अप्रूवल दे दी सप्लाई हो जाना चाहिए बेटा। उसने अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल नहीं दी तो जैसे ही 6 मंथ एक्सपायर होंगे उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, मतलब वो सप्लाई मान लेंगे और टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी बेटा आपके। इसलिए आपने जनवरी मंथ में अगर एग्जीबिशन के लिए बाहर ले आ रहे गुड्स को और सर इसने केस नंबर 2 बुलाया कि 100 की 100 यूनिट वापस आ गई इन फरवरी, तो सर कोई टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बस डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स आएगा, डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स आ जाएगा। पर अगर अगस्त में गुड्स आ रहा है रिटर्न ओके, कोई सेल नहीं हुआ, तो सर जनवरी से देखो आप सर 6 मंथ एक्सपायर होंगे अगस्त आने से पहले पहले, तो जैसे ही 6 महीने एक्सपायर होंगे आपको टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा उन सब पे। क्लियर, समझे मेरी बात, और ऐसे केस में सप्लाई माना जाएगा उनको बेटा। आइए, तो सर 100 यूनिट का टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा अगर गुड्स अगस्त में रिटर्न होता है, तो जैसे ही जनवरी मंथ में जिस दिन आप ले जाएंगे उससे जिस दिन 6 महीने एक्सपायर होंगे उस दिन आपको टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा बेटा। पर फरवरी में अगर आ गए तो कोई टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करने की जरूरत नहीं है। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउस सेल्स एन एग्रीगेट ऑफ 65 यूनिट ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन USA एग्जीबिशन ऑन डिफरेंट डेट्स इन जनवरी इटसेल्फ, ओके, एंड रिमेनिंग 35 यूनिट्स आर ब्रॉट बैक ऑन 31 जनवरी इटसेल्फ। बच्चों अगर एग्जीबिशन ले गया 65 यूनिट वहां सेल हो गए, तो जब वो सेल करेगा तब उस टाइम रेस्पेक्टिव 65 यूनिट का जब जब वो सेल करता जाएगा तब तक वो टैक्स इनवॉइस इशू करता जाएगा, पर उस पर कोई GST पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गुड्स आउट ऑफ इंडिया गया है, कोई दिक्कत नहीं बेटा आपके लिए। ऑल द आपने बॉन्ड या LUT साइन नहीं किया क्योंकि जब ले रहे थे तब ये कंफर्म नहीं था कि उस पर टैक्स पे करना कि नहीं करना, कि वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा बेटा। क्लियर, इसलिए आपने बॉन्ड क्योंकि वो जीरो रिटर्न सप्लाई में कवर नहीं था, आपने बॉन्ड LUT साइन नहीं किया, पर फिर भी जब वहाँ पे गुड्स पसंद हो गया, आ गया समझ में, कस्टमर ने अप्रूवल दे दी, पसंद कर लिया और खरीद लिया, तो उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर टैक्स इन्वेस्ट तो इश्यू करना पड़ेगा साहब। एंड 35 यूनिट अगर 31 जनवरी को आप लेके आ गए तो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं साहब। द टैक्स एडवाइजर ऑफ आयात निर्यात एक्सपोर्ट हाउसेज एडवाइसेज द असेसी दैट द एक्सपोर्ट ऑफ 65 यूनिट्स क्वालिफाई ए जीरो रिटर्न सप्लाई एंड इट शुड अप्लाई फॉर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम। सिंस 65 यूनिट के लिए अप्रूवल आ गया, सेल हो गया, वो जीरो रिटर्न सप्लाई के इसको में कवर हो जाएगा क्योंकि वो सप्लाई हो गया, और आउट ऑफ इंडिया वो टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इज एक्सपोर्ट, तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट में कवर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट में कवर हो गया मतलब जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो गया, और जीरो रेटेड सप्लाई में अगर कवर हो गया तो ऐसे केस में उसमें काम आने वाले इनपुट्स का आप ITC अवेल कर सकते हो, और ITC अवेल करके अगर ITC काम नहीं आ रहा तो यू कैन क्लेम द रिफंड इन रेस्पेक्ट ऑफ 65 यूनिट्स बेटा। ओके, एग्जामिन द टेक्निकल वेरिसिटी ऑफ द टैक्स एडवाइजर्स ऑफ द टैक्स एडवाइजर्स एडवाइस। क्लियर, हमने पूरा पॉइंट समझ लिया, और एक्चुअली पूरा सर्कुलर HD0 ने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल बच्चों। क्लियर माहौल, डन सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं हम। कनकन, वाह, कनकन कॉरपोरेशन हैड इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम USA फॉर ₹365 लाख ऑन पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट कस्टम ड्यूटी इन फेब्रुवरी। हाउएवर इन जुलाई द मशीन हैड टू बी सेंड बैक टू द सप्लायर फॉर रिपेयर्स। ओके, इसने एक मशीन इंपोर्ट किया था USA से 365 लाख में ऑन पेमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट कस्टम ड्यूटी इन फेब्रुवरी। हाउएवर इन जुलाई द मशीन हैड बीन सेंड बैक टू द सप्लायर फॉर रिपेयर्स नॉट अमाउंटिंग टू मैन्युफैक्चर। ओके, रिपेयरिंग के लिए आपने इंडिया से बार वापस भेजा, याद है बड़ा कस्टम का क्वेश्चन, कोई मशीन अगर आपने इंपोर्ट किया रिपेयरिंग के लिए अगर आप बाहर भेजते हो और वो मशीन रिपेयरिंग होकर वापस आती विदाउट बिंग रीमैन्युफैक्चर और रीप्रोसेस विद इन 3 ईयर, तो ऐसे केस में उसको इंपोर्ट नहीं मानते। पर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज इन सच रिपेयरिंग, भले उसने हमसे चार्ज किया है नहीं किया, प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इस अमाउंट पे कस्टम पे करना पड़ेगा। देखते
दिस मशीन वॉज रिपेयर्ड एंड देर आफ्टर री इम्पोर्टेड बाई द कंकन कॉर्पोरेशन इन द नवंबर नेक्स्ट ईयर. ओके, जुलाई में भेजा, नवंबर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं साहब, नेक्स्ट ईयर में आ गया, तीन साल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. विदाउट बिंग रीमैन्युफैक्चर्ड, रीमैन्युफैक्चर नहीं हुआ, रिपेयरिंग हो गया है. द सप्लायर हैज अग्रीड टू प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 60% ऑफ द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स रिजल्टिंग इन कंकन कॉर्पोरेशन पेइंग $12,000 ओनली. बेटा ओके सर, रिपेयरिंग चार्ज में उसने 60% डिस्काउंट दिया है और नेट उसने कितना पे किया है, $12,000 ही पे किया है बेटा. और आपको पता है फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे टैक्स पे करना है, भले ही आपने उसको रिपेयरिंग चार्ज पे किया कि नहीं पे किया, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो सर आइए स्क्रीन की तरफ देखिए, सर फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग कैसे निकलेगा. सर अगर $12,000 आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट ऑफ 60% है तो ये कितना हुआ, 40% हुआ बेटा. अगर ये 40% है जो उसने पे किया तो 100% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, समझ में आया क्या, डिवाइड बाय 40%. देखिए क्वेश्चन ने क्लियर किया हुआ है क्या, सप्लायर हैज अग्रीड टू प्रोवाइड डिस्काउंट ऑफ 60% ऑफ द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स रिजल्टिंग इन कंकन कॉर्पोरेशन पेइंग $12,000. बेटा 12,000 पे करना पड़ रहा है केवल, आफ्टर डिस्काउंट है ये, तो हमको तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे टैक्स पे करना होता है रिपेयरिंग के केस में, तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग $30,000 आ गया बेटा. सेम क्वेश्चन दे रखा है सर, फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल, सेम क्वेश्चन बुक में मिला होगा सर आपको ऑलरेडी, फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. ओके, बिल ऑफ एंट्री 21 फरवरी को फाइल किया, अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट 26 फरवरी का बेटा. ओके, इंटीग्रेटेड टैक्स इज लेवेबल एट 12%. ओके, पहली बात तो बिल ऑफ एंट्री 21 फरवरी का, एयरक्राफ्ट अराइवल है 26 फरवरी का. और आपको बताया क्या सर, रेट ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ ड्यूटी कब की होगी सर, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और ग्रांट और अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट रिकवरीज लेटर. तो 21 फरवरी और 26 फरवरी रिचवरीज लेटर, 26 फरवरी, तो 26 फरवरी का रेट ऑफ टैक्स, मतलब 15% इज रिलेवेंट फॉर आर कैलकुलेशन बेटा. क्लियर. एंड सर रेट ऑफ एक्सचेंज, पहली बात तो इंटर बैंक एक्सचेंज रेट का कोई कंसर्न नहीं है, CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज लेंगे. और CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज कब का, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ तब से, आपका अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट कब था उससे कंसर्न नहीं है. बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया बेटा आपने, 21 फरवरी को, उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज क्या था बेटा, ₹62. तो ये मैंने साइड में लिख दिया, कैलकुलेशन के तौर पर काम आ जाएगा बेटा आपके लिए. इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल इज 12%. ओके, 12% लगेगा IGST. ओके साहब, कोई झगड़ा ही नहीं उसमें. तो आउटवर्ड और इनवर्ड इंश्योरेंस फ्रेट. ओके, और आपको बताया फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज एड करेंगे, तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग था $30,000. ओहो, इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट जो दे रखा है, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों सबको एड करना है बेटा आपको, बोथ वेज. तो सर पर ये INR दे रखा है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इन INR. ओके, देख लेते हैं सर. एंड लास्ट लाइन क्या लिखा बेटा, डिटरमाइन टोटल ड्यूटी पेएबल विथ एप्रोप्रिएट नोट्स फॉर योर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी अज्यूमिंग दैट कंकन कॉर्पोरेशन इज नॉट अ EOU. ओके साहब, EOU नहीं है साहब, EOU अगर होता तो कस्टम नहीं लगता बेटा. ओके सर, 30,000 इज द फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज से टू कन्वर्ट इट इनटू INR. ₹62 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,60,000 अमाउंट आया है. क्लियर, ये फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इन INR प्लस फ्रेट और इंश्योरेंस बोथ वेज. तो 23,000 ऐड कर दो, 27,000 ऐड कर दो, देन 93,500 ऐड कर दो, 106,500 ऐड कर दो, ये सब अमाउंट ऐड कर देंगे. तो 21,10,000 अमाउंट आएगा. दिस इज द असेसबल वैल्यू ऑन विच कस्टम्स इज पेबल. और कस्टम जो पे करना, कितना पे करना बेटा आपको, रेट ऑफ टैक्स हमने निकाला था बेटा 15%. तो 21,10,000 इस पे कस्टम लगेगा कितना बेटा, 15%. ये क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी बेटा, 316,500. बच्चों ध्यान रखना, फीस पे लगेगा क्या, सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, 316,500 कर दो साहब. ये तीनों ऐड कर देंगे तो क्या अमाउंट आएगा, 31,650. ये अमाउंट ऐड किया 24,58,150. ये अमाउंट आया, दिस इज द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ IGST. और IGST 12% आपको लगाना है इस अमाउंट पर, मल्टीप्लाई बाय 12%, 29,49,78.
क्लियर, ये लग गया आईजीएसटी आपका, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। और टोटल ड्यूटी ड्यूटी पेबल अगर निकालना हो तो ये प्लस ये प्लस ये तीनों अमाउंट ऐड कर देंगे तो टोटल ड्यूटी पेबल आ जाएगा। क्लियर, डन। तो सर अगेन आपको बहुत इजी लगा होगा बेटा, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सर। आइए क्वेश्चन 19, लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं बेटा और आरटीपी भी खत्म मई 20 के लिए। और हाँ, जो मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया था आरटीपी जो नवंबर 19 का था, वो आप सर मैं ऑलरेडी 4-5 महीने पहले अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लीजिएगा बेटा। आइए तो आरटीपी भी कवर हो जाएगी बेटा आपकी। मिस्टर सैमुअल, अ यूएस रेजिडेंट एज्ड 35 ईयर्स, हैज कम टू इंडिया ऑन अ टूरिस्ट वीजा फॉर अ लॉन्ग फॉर अ मंथ लॉन्ग वैकेशन। He carries with him as part of baggage the following items. Oh, baggage का question बेटा सर। Okay, तो question का last में देखिए क्या पूछा है। With reference to the baggage rules 2016, determine whether Mr. Samuel will be required to pay any custom duty or not. Okay, custom pay करना है कि नहीं करना है ये निकालना है बेटा आपको। Okay, सर ये value ना आया ना दे रखा आपको, ये particulars। माहौल ट्रेवल सोनियर्स, आपको बताया क्या सर, यूएस से अगर आ रहा है कोई भी पर्सन तो कोई भी सर ध्यान देना बेटा, यूएस अगर आ रहा है अदर देन इन्फेंट, तो ऐसे केस में सर पहली बात तो उसको जनरल फ्री अलाउंस मिलेगा सिंस ही इज अ यूएस रेजिडेंट। तो फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट इंडिया में आता है, यूएस आता है अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार, तो ऐसे केस में 15,000 का उसको जनरल अलाउंस है, पर अलोंग विद दैट 15,000 के अलावा सर यूज पर्सनल इफेक्ट अलाउड है विदाउट एनी कस्टम प्लस ट्रेवल सोनियर। ट्रेवल सोनियर की वैल्यू कुछ भी हो कोई कंसर्न नहीं, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। तो सर फर्स्ट ट्रेवल सोनियर, कोई कस्टम नहीं लगेगा, पूरा एलिजिबल है सर। सेकंड अदर आर्टिकल्स कैरिड ऑन इन पर्सन, यस ये सर कंप्यूट करेंगे 15,000 का टोटल बेनिफिट उसको मिलेगा, एक्सेस अमाउंट जो होगा उस पर टैक्स लग जाएगा बेटा। सर 80 स्टिक्स ऑफ सिगरेट्स और ₹100, अरे सिगरेट हो बेवड़ों की बात नहीं करूँ, पहले सुट्टों की बात करूँ मैं, तो 80 स्टिक ऑफ 100 इच 8,000 की सिगरेट ले आया। और आपको बताया क्या एनेक्सर वन में कवर होता है क्या सिगरेट्स इन एक्सेस ऑफ कितनी स्टिक्स 100। हाँ मुझे बताया आपकी काम की बात तो आपको याद रहती है बेटा, भूलते नहीं हो आप माहौल। तो 80 स्टिक तो एलिजिबल बेटा, अच्छा 80 स्टिक एग्जाम नहीं है, 80 स्टिक्स आर एलिजिबल बेटा, तो हम एलिजिबल लिमिट में इंक्लूड कर रहे बेटा इसको। 30 कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स वैल्यू ₹500 इच, तो सर कार्ट्रिजेस इन एक्सेस ऑफ 50 इज कवर्ड इन एनेक्सर वन, मतलब अप टू 50 एलिजिबल है एग्जिबिशन के लिए, बिल्कुल एलिजिबल है ये 30 ही लेके आए तो 15,000 एलिजिबल है साहब। 1 लीटर वाइन, ओहो घूम लो और झूम लो, तो सर घूमने तो आया ही है साथ में झूमने के सामान भी लाया है। तो सर 1 लीटर वाइन, वैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 1 लीटर से क्या होता है टंकी, ओए सर पूरा टैंक है तो 15,000 1 लीटर वाइन। और अनेक्स में क्या कवर होता है वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर्स, तो सर 2 लीटर तक लेके आए तो एलिजिबल है साहब, ये 15,000 की दारू भी एलिजिबल है। तो सर इन सब को ऐड करो कितना हो गया 150 प्लस 38,000 एक तरह से सर 138,000, हाँ है ना बच्चों सर 138,000 इज द टोटल अमाउंट सर। वन में भी कहीं कुछ ना कुछ सर 150 प्लस 38 188, ऐसे एग्जाम में गलती हुई थी सर, सिली मिस्टेक हो जाती कई बार, आराम से जोश में आ गया था मैं भी घूम लो झूम लो के चक्कर में, तो 188,000 सर। अब 188,000 में इसको एग्जिबिशन कितना मिलेगा बेटा, जनरल फ्री अलाउंस जो इसके लिए है अंडर रूल नंबर 3, अंडर रूल नंबर 3 ऑफ द बैगेज रूल्स 2016 कितना है बेटा 15,000 का है, ये लेस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचाएगा 1,73,000 इज द अमाउंट विच इज चार्जेबल टू जीएसटी। और बैगेज पे रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी कितना बेटा सर 35% कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% 35%, तो 173 मल्टीप्लाई बाय 35% 60,550, इसका 10% 6,055, कई बार कैलकुलेटर की इतनी आता तो थी 10% करने में भी सर कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं पागल से बिल्कुल ही, सर एक जीरो कम कर दो और क्या है सर। तो दिस इज द अमाउंट विच इज पेएबल बाय दैट मिस्टर सैमुअल व्हेन ही इज कमिंग टू इंडिया फ्रॉम यूएसए। माहौल इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म होता है। अब ध्यान देना बेटा बैगेज के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं न्यूमेरिकल स्तर के एग्जाम्स के अंदर सर।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द आरटीपी मई 2020 एग्जाम्स के लिए सर, वेदर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट कैटेगरीज और सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप एंटरटेनमेंट अंडर एमईआई स्कीम। ओके सर, इसने क्या पूछा है, क्या ऑल एक्सपोर्ट कैटेगरी और सेक्टर्स आर एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट एंटरटेनमेंट स्कीम एंटरटेनमेंट अंडर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इफ योर आंसर इज नो, क्योंकि आपको पता है देर आर सम सेक्टर्स, देर आर सम ट्रांजेक्शन विच आर नॉट एलिजिबल फॉर एमईआईएस बेटा। इफ योर आंसर इज नो, यस हमारा आंसर नो है। गिव यू एग्जाम्पल ऑफ द एक्सपोर्ट कैटेगरी और सेक्टर्स विच आर इन एलिजिबल फॉर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप एंटरटेनमेंट अंडर एमईआईएस। ओके हम लिख देंगे सर। तो सर अपने को क्या करना बेटा, इन एलिजिबल कैटेगरीज लिखनी बेटा जो इसने आंसर में दिए बेटा, जैसे सप्लाईज फ्रॉम, सप्लाईज मेड फ्रॉम डीटीए टू एसईजेड एलिजिबल नहीं है। सेकंड, एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट दैट इज एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया, वो भी एलिजिबल नहीं है। डिम्ड एक्सपोर्ट, देन एसईजेड, ईओयू, ईएचटीपी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, इनके प्रोडक्ट अगर आप डीटीए यूनिट के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी एलिजिबल नहीं है। देन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी एलिजिबल नहीं है। एक्सपोर्ट मेड बाय यूनिट इन फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, ये सब छह केस है जो एलिजिबल नहीं है। क्लियर। अब साहब इसने सेकंड पॉइंट और पूछा है, सक्षम एक्सपोर्ट्स अ कंसाइनमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट आइटम थ्रू अ कुरियर यूजिंग ई कॉमर्स ऑन फ्री ऑफ बोर्ड वैल्यू ऑफ रुपीज 4,48,000। डिटरमाइन वेदर द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ सक्षम इज एलिजिबल फॉर एमईएस बेनिफिट। आपको पता है अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू या बाय पोस्ट अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो यस वो एलिजिबल होता है एमईएस स्कीम के लिए। पर सर मैक्सिमम अमाउंट पर कंसाइनमेंट कैन बी 5 लाख, 5 लाख रुपए पर कंसाइनमेंट ही कंसिडर करेंगे। और सर एनीवेज मतलब जैसे 6 लाख का आपने कंसाइनमेंट भेजा तो भी हम 5 लाख ही काउंट करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट ऑफ एमईएस। और इसने एनीवेज कितना एक्सपोर्ट किया बेटा, कंसाइनमेंट वैल्यू एफओबी वैल्यू कितना बेटा 4,48,000। तो सिंस एफओबी वैल्यू 4,48,000 रुपए है, 4,48,000 है तो यस ये एलिजिबल है पूरे 4,48,000 के लिए जो भी एमईएस बेनिफिट मिलेगा इसको बेटा। क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, पूरा आरटीपी खत्म होता है। अब बच्चों जिनके भी एग्जाम्स अभी जुलाई 20 में है या जिनके भी एग्जाम्स नवंबर 20 में है या मई 21 में है, वो सब भी ये आरटीपी के सॉल्यूशन देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए भी रिलेवेंट है। क्लियर बच्चों। सो अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, माहौल बनना चाहिए। आपकी पढ़ाई आपको सक्सेस दिलाएगी। ध्यान रखना आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन हमेशा आपको सक्सेस दिलाएगा बेटा। नेगेटिव माहौल में मत रहिएगा। सर मुझे पता है अभी जो ये कोरोना का जो ये उसकी वजह से एग्ज़ाम्स शिफ्ट हुए, फिर अभी ये बवाल चल रहा है कि एग्ज़ाम्स जुलाई में होने चाहिए नहीं होने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एरियाज रेड जोन में है, कंटेनमेंट जोन में, उनको बड़ा दुख हो रहा है कि सर हम तो वेल प्रिपेयर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, हमारे एग्ज़ाम्स लेने चाहिए, ऐसे को हम एग्ज़ाम क्यों ना दें। बच्चों देखो सिचुएशंस ऐसी है जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, यहाँ आप अपना दिमाग ख़राब मत करना। बस आप पेशेंस रखना, जिस पे गुस्सा करना कर लेना, पर आपका माइंड नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सर आप 1% भी पीछे नहीं धकेले जाना चाहिए, आपके माइंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर। आपकी स्ट्रेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आप जितना पेशेंस रखोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे बेटा। ये वो परिस्थितियाँ है जिससे हमें लड़ना है, ये वो सिचुएशन है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ये वो सिचुएशन है जब अपने आप को खुद को ही समझाना पड़ेगा बेटा। क्लियर कि सर हमको पढ़ के आगे निकलना है और अच्छे से एक अच्छा इंसान बनना है बेटा। क्लियर। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मजे मारते रहिए सर। और आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं आपके लिए हूँ, लेक्चर रिलेटेड जो भी आपको चाहिए। मैंने सारे चैप्टर्स एक एक चैप्टर रिवीजन लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। इनफैक्ट इस बार के रिवीजन लेक्चर जो आपने देखे होंगे वो मोर डिटेल्ड है, ज़्यादा डिटेल्ड है। मेरे को बच्चों के फ़ोन आए थे, सर आप जरूरी नहीं है कि आप 8 आवर्स में पूरा करें, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लीजिए और डिटेल में एक एक पॉइंट कवर करिए। मैंने एक एक पॉइंट कवर कर दिया, हर सर्कुलर भी कवर कर दिया, माहौल एकदम जबरदस्त शानदार। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।